गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट एग्ज़ाम था, तो बेसिकली अब मेरा ग्रेजुएशन ओवर होने वाला है। तो मैंने सोचा जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से ख़त्म करते हैं। सो आई विल बी लीविंग दिस हॉस्टल इन वेरी फ्यू डेज, लाइक इन 4 or 5 days। तो मैंने सोचा जाने से पहले एक हॉस्टल का दोबारा से डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में जो मेरा पिछला वाला हॉस्टल ब्लॉग था उससे काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं अब। जैसे कि कैन यू सी, अब हमारे हॉस्टल में एसी भी है। सो या ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज हुई हैं हॉस्टल में। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा कभी ऐसा प्लान नहीं था यूट्यूबर बनने का, बट मैंने एक ऐसे हॉस्टल का व्लॉग डाल दिया था जिसमें पहले वीक में 5K व्यूज़, दूसरे वीक में 10K व्यूज़ आ गए थे। तो ऐसी चीज़ें होने लगी थी। तो या ये जो देवी हॉस्टल है इसी ने मुझे जो है यूट्यूबर बनाया है कहने को। आज मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और मज़े की बात यह है कि मैंने कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। आप सबको बहुत सारा थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया, आपने इतना सारा प्यार दिया, मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी का हॉस्टल देखते हैं। अभी मैं स्टडी रूम में बैठी हूँ, और लकीली स्टडी रूम पिछली बार की तरह इस बार भी खाली है, वरना बहुत ही रेयर ऐसे टाइम होते हैं जिस टाइम पर स्टडी रूम खाली होता है। एक्चुअली अभी मैं एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गया था तो सारे बच्चे एग्ज़ाम देने गए, इसलिए स्टडी रूम खाली है। तो मैं आपको पहले हमारा स्टडी रूम दिखाती हूँ। तो ये है हमारा स्टडी रूम। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेसी है, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड सा लग रहा है, क्योंकि अभी जो है ना फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम रात भर यहीं पे पढ़ रहे होते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग किसी ने भी कैसे भी मतलब अरेंज कर दिया हुआ है इसको, वहाँ पे 2 benches जोड़ दिए हैं ताकि मतलब नींद आए तो बीच में आधा घंटा एक घंटा सो जाए। और अब हमारे हॉस्टल में AC लग चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह सुबह तरह तरह के न्यूज़पेपर आ जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस आ गया, हिंदू आ गया, फिर ये बाकी ओडिया वाले न्यूज़पेपर आ जाते हैं। तो कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहा होगा तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि यहाँ पे हर तरह के न्यूज़पेपर ऑलरेडी आ रहे हैं, आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो है ना क्या होता था कि हर एक गर्ल्स हॉस्टल का अपना अपना खुद का मेन गेट होता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब सारे गर्ल्स हॉस्टल का एक ही मेन गेट बना दिया है, ये जो आप देख सकते हैं, जो कि देवी हॉस्टल के बाहर ही है। यहीं से सारे गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो जैसे हमने गेट से एंटर किया तो ये आ गया हमारा, ये दया हॉस्टल आ गया, उसके आगे भार्गवी, ये महानदी, और ये हमारा देवी हॉस्टल। और एक और चेंज आया, अभी ये जो ऑफिस था यहाँ पे एक पहले, अब उसको हटा दिया हुआ है, ऑफिस हॉस्टल्स के अंदर ही है, और यहाँ पे अभी गार्ड आंटी खड़ी रहती हैं। है हमारा प्यारा सा देवी हॉस्टल। जैसे हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर रखा हुआ है, जहाँ पे कि हम बाहर जाते वक्त और अंदर आते वक्त अपनी एंट्री करते हैं। और ये सामने हमारे भगवान जी रखे हुए हैं, गणेश भगवान और सरस्वती माता। यहाँ पे ये हमारा मिरर लगा हुआ है, जहाँ पे आप सुंदर सुंदर बन के कॉलेज जाएंगे। ये जो है ना ये हमारे हॉस्टल का बीच वाला लॉन है, और अगर आपके ध्यान में हो तो ये जो है पहले, अगर आपने मेरा प्रीवियस हॉस्टल वाला वीडियो देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ये है ना ये टाइल्स अभी लगे हैं। पहले यहाँ पे घास थी, घास मिट्टी, अभी इन्होंने ना टाइल्स लगा दिए। और ये पेड़, और पेड़ के जस्ट पीछे ऊपर वाले फ्लोर में मेरा कमरा है। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, ये हमारा मेस है। अब मैं आपको चल के हमारा मेस दिखाती हूँ। ये है हमारा पूरा मेस, एक TV भी है। वैसे तो मैंने इस TV को कभी पिछले 2 साल में चलते हुए नहीं देखा, तो हो सकता है कि ख़राब हो शायद। और अब हमारे हॉस्टल में है एक नया एलिमेंट, जो कि है ये फ्रिज। ये कॉमन फ्रिज है हॉस्टल के सारे बोर्डर्स के लिए। अंदर जो है ना बच्चों ने दूध रखा होता है, जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब। आपको लग रहा होगा कि नहीं फ्रिज में खाना रख देंगे तो चोरी हो जाएगा, पर नहीं, ऐसे नहीं चलता हॉस्टल में। जो है ना एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रस्ट पे ही ये फ्रिज चलता है हम लोग का। खाना निकाल के खाने लग जाओगे फिर तो कोई नहीं रखेगा खाना फ्रिज में। उसके बाद ना बच्चों ने यहाँ पे लंच
रखे हुए हैं। मतलब होता ये है कि जैसे आपकी क्लास हो या आपका एग्ज़ाम हो और उस टाइम पे मेस जो है बंद हो जा रहा हो हमारा, जैसे हमारा मेस होता है 11 से 1, तो उस बीच हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो खाना कैसे लाएंगे? तो हम जो है अपना लंच बॉक्स यहाँ पे दे के जाते हैं, फिर जो हमारी हॉस्टल की नानी लोग होती है वो हमारा खाना उस लंच बॉक्स में भर के रख देती हैं। जो आपको स्लैब दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा खाना सर्व होता है दोपहर के टाइम और रात के टाइम पे। अगर हमारे सिंक्स यहाँ पे हम बर्तन बर्तन धोते हैं, ब्रश करते हैं। मैं ना सुबह बिना कुछ खाए एग्ज़ाम देने चली गई थी और आज मेरा मील ऑफ था, क्योंकि थर्सडे का खाना मैं हॉस्टल में नहीं खाती हूँ। तो ब्लॉग शूट करते टाइम ही ना मैंने खाना ऑर्डर कर लिया जोमेटो से। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि फ़ूड हमारा कहाँ पर डिलीवर होता है। आगे हमारा मेन गेट हॉस्टल का, और यहाँ से निकलती वहाँ पे जो है हमारे डिलीवरी वाले भैया जो हैं वेट कर रहे हैं। मुझे मेरा ऑर्डर भी मिल चुका है। अब ना मैं जा रही हूँ खाना खाने, और बाकी का हॉस्टल वाला वीडियो मैं बाद में शूट कर लूँगी। गाइस, मैंने उस दिन आधा ही वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी और मैं एग्ज़ाम से बहुत थक के आई थी, तो मैं खाना खा के सो गई थी। तो बाकी का हॉस्टल हम आज देखते हैं। तो गाइस, ये हम लोग का ऊपर वाला फ्लोर है और यहाँ पर हम लोग का इंडक्शन रखा हुआ है, जो कि ऊपर फ्लोर वाला इंडक्शन है। तो ये है हमारा इंडक्शन, अभी थोड़ा गंदा है, मतलब खाना वाना गिराया हुआ है बच्चों ने। जैसे आपको मैस का कोई खाना पसंद नहीं आता और आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाने का मन हो, तो आप यहाँ पे आके बना सकते हो, या रात को अगर आपको 3-4 बजे भूख लगती है तो आप यहाँ पे मैगी बना सकते हो। ये वाला जो इंडक्शन है, ये हमारे नीचे वाले फ्लोर में जितने भी बच्चे रहते हैं उनके लिए है, तो वो यहाँ पे आके खाना वाना बना के जाते हैं। तो ये है हम लोग का रूम नंबर 16। तो दैट इज़ हाउ अवर रूम लुक्स राइट नाउ। बहुत ज़्यादा मेसी है, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो ऐसे 5 बेड दिए होंगे आपको, और ऐसे छोटे छोटे सबके कबर्ड्स होंगे, वुडन कबर्ड्स। हमने इसको जो ऐसे ऊपर से वॉलपेपर से ऐसे कवर कर दिया हुआ है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे कबर्ड्स दिए होंगे। दिस इज़ फॉर द देवी हॉस्टल। बाकी हॉस्टल्स का सबका अपना अलग अलग रहता है। और यहाँ पे ऐसे स्टडी टेबल है, चेयर है, यहाँ पे हमारा एक और टेबल है, और यहाँ पे भी सिंक है। हमारे ऐसे हर एक कॉर्नर में सिंक्स हैं जहाँ पे आप बर्तन बर्तन धोगे, ब्रश करोगे। ये हमारे हॉस्टल का रात का व्यू है। मैं अभी जो हम लोग का मेस के जस्ट ऊपर खड़ी हूँ। ये हम लोग का स्टेज है, जो मैंने आपको उस दिन नीचे से दिखाया हुआ था। यहाँ पे भी आप बैठ के खा सकते हो। दिस इज द एक्वा गार्ड। और ऐसे हमारे हॉस्टल में 2 हैं, एक नीचे वाले फ्लोर के लिए, एक ऊपर वाले फ्लोर के लिए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपके बैचमेट्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनने वाले हैं हॉस्टल में। आपके सीनियर्स जो हैं बहुत कोऑपरेटिव होंगे, आप सब मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय वगैरह करने वाले हैं। ये था पूरा हॉस्टल ब्लॉग। मैंने कोशिश की कि जितना हो सके उतना पार्ट कवर कर लूँ। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको कुछ भी हॉस्टल के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।